सनी देओल ने करियर की शुरुआत में ही कर ली थी शादी, बाद में अमृता सिंह और डिंपल कपाड़िया संग चला अफेयर। अभिनेता और नेता सनी देओल का अभिनय हमेशा दमदार रहा है। अपने करियर में सनी ने ज्यादातर हिट फिल्में दी हैं। फिल्म घायल के लिए सनी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। कई हफ्तों तक इस फिल्म ने सिनेमा घरों में कब्जा जमाए रखा था। 19 अक्टूबर 1956 को अभिनेता धर्मेंद्र के घर में जन्मे सनी देओल फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अपनी आवाज से फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाने वाली सनी देओल ने अपनी करियर की शुरुआत 1984 में फिल्म बेताब से की थी। एक्टिंग के बाद सनी देओल राजनीति में भी आ चुके हैं। वो गुरदासपुर से बीजेपी सांसद हैं। सनी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करियर की शुरुआती दिनों में ही शादी कर ली थी, लेकिन मीडिया को इसकी खबर तक नहीं लगने दी थी। जब सनी देओल की चर्चा हो रही है तो आज हम आपको उनकी पत्नी पूजा के बारे में बताते हैं। पूजा हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। शायद ही किसी ने पूजा को मीडिया के सामने आते देखा हो। दरअसल सनी ने गुपचुप तरीके से विदेश में पूजा से शादी की थी। सनी के परिवार ने भी उनके शादीशुदा होने की बात छिपा कर रखी थी, क्योंकि अभी उनका करियर शुरू ही हुआ था। सनी को डर था कि उनके शादीशुदा होने की बात पता चलने पर ही दर्शक उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह पसंद नहीं करेंगे। यही कारण था कि पूजा लंदन में ही रहती थी और सनी हर महीने उनसे मिलने के लिए लंदन जाया करते थे। सनी की शादी के बारे में खुलासा 1990 में हुआ। सनी की शादी की तस्वीर एक मैगजीन ने अपने कवर पर छाप दी थी और तब सनी ने खुद बताया था कि वो शादीशुदा हैं। सनी देओल और पूजा देओल ईयर 1984 में शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं शादीशुदा सनी का नाम अमृता सिंह, डिंपल कपाड़िया और रवीना टंडन से जुड़ा। खबरें ये भी आई थी कि पूजा ने कई बार सनी देओल से शादी तोड़ने की भी धमकी दी थी। सनी की शादी की खबर लगते ही अमृता सिंह उनसे दूर हो गई। सनी और डिंपल कपाड़िया का अफेयर तो जग जाहिर है। इन दोनों की लव स्टोरी 90s के दशक में काफी सुर्खियों में रही। अपने पहले प्यार अमृता सिंह से अलग होने के बाद सनी को सहारे की जरूरत थी। इधर डिंपल और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग हुए ही थे। डिंपल भी तन्हा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी थी कि सनी और डिंपल जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब डिंपल की बेटियां ट्विंकल और रिंकी सनी को छोटे पापा कहकर बुलाया करते थे। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते पर कुछ नहीं कहा। जल्द ही ये रिश्ता भी खत्म हो गया। साल 2017 में सनी देओल जब छुट्टियां मनाने लंदन गए थे, वहां से उनका एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सनी देओल डिंपल का हाथ थामे हुए बैठे थे। डिंपल एक तरफ सनी का हाथ थामी हुई थी और दूसरे हाथ से सिगरेट पीती नजर आ रही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर काफी सवाल उठे थे।